आज डिस्कस करेंगे मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। मिस्ट का मतलब होता है धुंध। अगर हम इसका हिंदी में वर्ड देखें तो ये क्या होता है, धुंध। धुंध मतलब छोटे छोटे जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, सर्दियों में हमने देखे हैं, उसको बोलते हैं मिस्ट। तो मिस्ट लुब्रिकेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। मिस्ट लुब्रिकेशन का यूज हम जनरली टू स्ट्रोक इंजन्स के अंदर करते हैं। ये जनरली हमारा टू स्ट्रोक्स इंजन्स के अंदर यूज होता है। क्यों? क्योंकि इन टू स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारा जो सम्प की हम सम्प को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो विदाउट सम्प हमें लुब्रिकेशन करना है। तो उसके लिए टू स्ट्रोक इंजन ऑयल के अंदर ही जो इंजन का फ्यूल होता है, फ्यूल मींस जो पेट्रोल है, इसके अंदर हम लुब्रिकेशन ऑयल मिक्स करते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल मींस जो हमारा लुब्रिकेट करेगा इसको, तो लुब्रिकेशन ऑयल हम इसमें मिक्स करते हैं। तो पेट्रोल प्लस ऑयल को इसमें मिक्स किया जाता है और एक मिक्सचर बनाया जाता है। तो जो हमारा फ्यूल टैंक होता है टू स्ट्रोक इंजन का, जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर ही पेट्रोल डाला जाता है और उसके अंदर ही लुब्रिकेशन ऑयल डाला जाता है। दोनों ही इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं फ्यूल टैंक में। तो उसके बाद इस मिक्सचर को हम आगे भेजते हैं कार्बोरेटर के पास। कार्बोरेटर क्या काम करता है? कार्बोरेटर जो हमारा फ्यूल और एयर की मिक्सिंग करता है, ये हमें पता है, फ्यूल और एयर की मिक्सिंग करता है। तो लेकिन फ्यूल के अंदर हमारा लुब्रिकेशन ऑयल भी है, तो ये इन दोनों के वेपर बना देगा। जो हमारा फ्यूल है जिसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल है और प्लस यहाँ एयर, दोनों मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा देगा इसको इनलेट वाल्व को। यहाँ पे हमारा इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। सॉरी, यहाँ पे वाल्व नहीं होते, जो टू स्ट्रोक इंजन होता है ये पोर्ट होते हैं। तो हम इनको वाल्व नहीं बोलेंगे, इनको पोर्ट्स बोलेंगे, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। वाल्व हम इनको नहीं बोलते, ना ही यहाँ वाल्व होते हैं, ये एक ही साइड पे होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में। टू स्ट्रोक का मतलब क्या है, इस टू स्ट्रोक के अंदर ही अपने चार स्ट्रोक पूरे कर लेता है जो इसको पावर के साथ चाहिए। पहला क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक, और दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा क्या है, हमारा जो पावर स्ट्रोक है या वर्किंग स्ट्रोक हम इसको बोल सकते हैं, फोर्थ क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके अंदर जो सक्शन और कंप्रेशन है वो एक स्ट्रोक में पूरा होता है, और जो पावर एक्सपेंशन भी इसको बोल सकते हैं, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट है वो दूसरे स्ट्रोक में पूरे होते हैं। तो जब पिस्टन हमारा नीचे की तरफ आता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होता है, ये हमें याद रखना है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इस इनलेट जो हमारा पोर्ट है इसको अनकवर करेगा। जैसे ही ये इसको अनकवर करेगा, यहां से हमारा जो फ्यूल का एयर का मिक्सचर है वो अंदर आएगा। जैसे ही क्रैंक शाफ्ट जो हमारी इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे ये सक्शन क्रिएट होगा और जो हमारा मिक्सचर है अंदर आ जाएगा। अब फ्यूल के अंदर क्या है, लुब्रिकेशन ऑयल है। जैसे ही ये अंदर आएगा तो सक्शन के साथ क्या होगा, कंप्रेशन। सक्शन जब ऊपर जाएगा प्लस कंप्रेशन, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये इस फ्यूल को कंप्रेस करेगी। तो इस फ्यूल को जब जैसे ही कंप्रेस करेगी, कुछ जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है वो यहाँ पे इसकी दीवारों पे जम जाएगा एक धुंध की तरह। तो जो क्रैंक केस है, ये क्रैंक केस ही है, इसकी दीवारों पे यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल जम जाएगा, जिससे लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगा इस इंजन को। और कुछ ऑयल जब ये सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट हम इसको बोलते हैं,
जिस तरह से इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, उसी तरह से ट्रांसफर पोर्ट भी टू स्ट्रोक इंजन में होता है, जो चार्ज को ट्रांसफर करने के काम आता है ओपन इंजन सिलेंडर में। जैसे ही यहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन खत्म होगा तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा, जो यहाँ पे फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट होगा, एक्सपेंशन होगा, जैसे ही ये नीचे आएगा एक्सपेंशन होगा और यहाँ पे ये अनकवर हो जाएगा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, और हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर चली जाएंगी। तो सक्शन कंप्रेशन होता है और पावर एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होता है इकट्ठा। ये इन पोर्ट्स को ये पिस्टन कवर अनकवर करता रहता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक। तो लुब्रिकेशन कैसे प्रोवाइड होता है, जब हमारा जो मिक्सचर है अंदर आता है वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के कारण जो वेपर्स बनते हैं, जो हल्की गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा ये मिक्सचर है, कुछ तो जो लुब्रिकेशन ऑयल है यहाँ पे जम जाता है इसकी दीवारों पे धुंध की तरह, तो यहाँ लुब्रिकेशन हो जाता है। और जो कुछ फ्यूल हमारा यहाँ से भी होके जाता है तो यहाँ पर भी लुब्रिकेशन होता है, और इसके नीचे यहाँ पर भी जो हमारा इस पिस्टन के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी जो फ्यूल पहुँचता है, जब ये कंप्रेस होता है तो यहाँ पर भी लुब्रिकेशन होता है। कुछ जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल फ्यूल के साथ ऊपर भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बर्न हो जाता है। बर्न होने के कारण जो ऑयल है उसकी डिसएडवांटेज क्या है, वो पिस्टन के ऊपर कुछ स्केल जमा कर देता है, एग्जॉस्ट पोर्ट पे वो स्केल जमा कर देता है, इनलेट पोर्ट पे वो कुछ स्केल जमा कर देता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि फ्यूल के साथ हमारा लुब्रिकेशन ऑयल भी कुछ बर्न हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम वर्क करता है, वो फ्यूल के साथ मिक्स होता है, अंदर जाता है, कंप्रेस होता है इसकी दीवारों पे और इस पिस्टन के नीचे यहाँ पे जमता है, ट्रांसफर पोर्ट पे भी वो लुब्रिकेशन करता है। तो सारी जगह लुब्रिकेशन हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक सस्ता तरीका है, पहले हम इसको यूज करते थे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ऑयल के साथ फ्यूल, जो फ्यूल के साथ है ऑयल भी बर्न होता है, जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर हानिकारक जो हमारी गैसेस हैं वो निकलती हैं, तो इसलिए मिस्ट लुब्रिकेशन को अवॉइड किया जाता है लगभग। तो इस तरह से हम इसको विदाउट सम्प वाला लुब्रिकेशन भी बोल सकते हैं। तो यह है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।